एक बार बताएं, उमर अब्दुल्ला जो ने कल अपना बयान दिया है वो सरासर झूठ है। आप वीडियोस देखिए, वहां पर वो तकरीर कर रहे थे, वहां पर तकरीर कर रहे तो वो क्या बता रहे हैं कि हमें वहां पर आने नहीं दिया। वो अपने वोट के लिए, आप सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज बताई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर तरीके से लोगों के सामने आ गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इनकी बौखलाहट है, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, कल जब उमर अब्दुल्ला साहब कल वहां पर जब तकरीर कर रहे थे वहां पे, तो ये दूसरी साइड से ये बता रहे हैं कि वहां मुझे जाने नहीं दिया। फिर क्या वो लाल चौक पे कर रहे थे वहां पर वो कॉन्फ्रेंस, वो किन के साथ कर रहे हैं? वो तो अपने लोगों के साथ कर रहे थे। और दूसरी बात, आप ये सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आप देखिए, एक कल एक इंसिडेंट हुआ है अनंतनाग में, एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, वो भी इन्हीं की देन है। जब यहाँ के यूथ को डिप्रेशन में डाल दिया इन्होंने, ड्रग में डाल दिया इन्होंने, आप देखिए कैसे कैसे वाकया यहाँ पेश आ रहे हैं। ये सब हमारी रीजनल पार्टीज की देन है। महबूबा मुफ्ती की तरह इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं जिससे वो पब्लिक की नजरों में आए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त मुझे लगता है कि वजूद बड़ी स्पीड से खत्म हो रहा है। वो बौखलाए हैं, वो परेशान हैं। चीन के साथ हमारे वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देके जिस प्रकार से गलवान घाटी में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वो किसी से छुपा नहीं है। जहां पे उन्होंने जो करना है वो कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब बात करें कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला साहब बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पे लोग उन्होंने रिजेक्ट किया है, जहां पे लोग उनसे हिसाब मांगते हैं, जहां पे उन्होंने चोरियां की हैं, जहां पे उन्होंने सिविलियंस का कत्ल किया है, उसका हिसाब दे। चीन की बात, ये डोमेन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो संभाल लेंगे। जहां पे उनको संभालने की जिम्मेदारी दी थी वहां बिगाड़ के वो निकले हैं अब चीन की बात करने के लिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। किसने कहा स्टेट? देखिए, स्टेटहुड के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट किया है कि जब यहाँ पे हालात सामान्य होंगे यहाँ पे स्टेटहुड मिलेगा। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी, वो निभाती है। कमिटमेंट 370 की एब्रोगेशन की थी, 50 साल लगे तो हटाया। कमिटमेंट स्टेटहुड की है, जो भी थोड़ा समय लगेगा स्टेटहुड यहां पे आएगा। यहां पे किसी भी देश की दखलंदाजी की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा नेतृत्व, हमारे भारत का नेतृत्व इस वक्त सक्षम है, वो खुद फैसला लेंगे। कोई दूसरे कंट्री के इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। उन्होंने जो अच्छी बात है, अगर वो दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो भारत ने तो हमेशा मतलब पहल की है। आपने देखे होंगे कि कितने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने शीर्ष नेता थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तो बस यहां से लाहौर ली। लेकिन हमेशा जब जब भी इस प्रकार की पहल हुई है पाकिस्तान ने पीठ के पीछे छुरा घूमा है। लेकिन इस वक्त भी अगर उन्हें अकल आई है, अगर उन्हें ये समझ आया है कि भारत के साथ दोस्ताना संबंध रहने चाहिए, तो हमारी सरकार हमेशा अग्रसर रही है, हमारी सरकार हमेशा दोस्ताना संबंध बनाने के लिए पहल करती है। लेकिन किसी कीमत पे भी वो छुरा घोंपने का जो काम करते थे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमर साहब को किसी ने नहीं रोका। उमर साहब कल कारगिल में लोगों के कन्वेंशन को खिताब कर रहे थे और ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है कि मुझे रोका गया। और दूसरी बात, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपनी सरहद किस तरह से महफूज रहे इसकी हिफाजत करना, हमें उमर अब्दुल्ला की इस दलील या उमर अब्दुल्ला की किसी ऐसी बात की कहने की जरूरत नहीं है। भारत एक ताकतवर मुल्क है, किस तरह से अपने दुश्मनों को के साथ निमटना है, किस तरह से उनको मुंहतोड़ जवाब देना हम जानते हैं, वो उमर साहब भी जानते हैं और बाकी जो दुनिया है वो भी जानती है। अब चाइना हो, पाकिस्तान हो, जिसकी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा ही प्यार कुछ चाइना के साथ क्योंकि उमर साहब के वालिद भी बार बार चाइना की वकालत करते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से हम चाइना हो, पाकिस्तान हो, किस तरह से हम उनसे अपनी सरहदों की बात करते हैं। और भारत वो पुराना वाला भारत नहीं रहा कि अपनी सरहदों की, आज नया भारत है और नई लीडरशिप है, नया जोश है। भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, भारत अपनी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देके, और ये उमर साहब भी जहन में रखे, ये वो भारत नहीं, ये भारत दो दो बार अंदर घुस के मारना भी जानता है और अपनी सरहदों की हिफाजत भी करना जानता है।